नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात मोहम्मद कैफ के डेडिकेशन की, उनके करियर की, लेकिन उनके करियर के साथ साथ उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो इस वक्त पे संदेश दिया है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की ये पर्सनालिटी अब तक सामने निकल कर नहीं आई थी। उनके आज के जीवन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, उसमें भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के करियर की शुरुआत के वक्त में वो किस तरह के क्रिकेट खिलाड़ी थे या उनकी जीवन शैली किस तरह की थी, मोहम्मद कैफ ने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया इन सारी की सारी चीज़ों को, और खास तौर पे उस महेंद्र सिंह धोनी को जिसने सारी लकीरों को मिटाकर एक नई लकीर खींचनी शुरू की, चाहे वो कप्तानी के फ्रंट से हो, चाहे वो छोटे शहरों से आने वाले क्रिकेटर्स के फ्रंट पे हो, चाहे वो एक आक्रामक बल्लेबाज के फ्रंट पर हो, एक विकेट कीपर हो, एक कप्तान हो, इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट, बहुत अच्छे तरीके से फोकस डाला है मोहम्मद कैफ ने। मोहम्मद कैफ वो खिलाड़ी जो उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपना डेब्यू किया था, 80 रन की पारी खेली थी मोहम्मद कैफ ने, और इसके साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ वो जो मुकाबला था उसमें भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। अच्छा, मुझे याद है कि श्रीराम राघवन उस वक्त पे आउट हुए थे और उसके बाद जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की बारी आई थी बल्लेबाजी करने की, और जब महेंद्र सिंह धोनी की बारी आई बल्लेबाजी करने की तो इस खिलाड़ी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आज के दौर में क्या होता है कि हम जो भी टीम इंडिया में खिलाड़ी आता है उसको या तो हमने आईपीएल में देखा होता है या वो तब आता है जब वो रणजी क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन बना दे, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये खिलाड़ी है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का आना, अचानक से लंबे लंबे बालों वाला एक खिलाड़ी आया जो कि टीम इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया था इस तरह का, और एक बहुत छोटे शहर से आए थे, रांची से, जो अभी अभी एक अलग राज्य बना था झारखंड, और वो एक क्रिकेट सर्कल के तौर पर नहीं जाना जाता था। आज भी अगर आप झारखंड को देखें तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से हॉकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, लेकिन आप झारखंड को अभी भी, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने इतना स्टैब्लिश कर दिया है झारखंड को, रांची को, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि झारखंड एक क्रिकेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के लिए। लेकिन उस वक्त पे जब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में आए और पहला ही मैच खेल रहे थे और रन लेने में जब मोहम्मद कैफ और वो क्रीज के दौरान दौड़े पिच के दौरान और दोनों में कम्युनिकेशन गैप हुआ, हाँ ना और महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हो गए। अच्छा, ये भी दिलचस्प संयोग है कि उनकी पहली जो पारी थी वो भी रनआउट से अंत हुई, उनका जो आखिरी मुकाबला था वो भी रनआउट से खत्म हुआ, यानी महेंद्र सिंह धोनी का शुरुआत और अंत रनआउट से ही रही। लेकिन इस बीच मोहम्मद कैफ 80 रन बनाते हैं, टीम इंडिया उस मैच को शायद 8 या 9 रन से जीत जाती है, बांग्लादेश को हरा देती है, ये चिटगांव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मोहम्मद कैफ जाते हैं ड्रेसिंग रूम में वापस, और महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि देखिए छोटे शहरों से आने वाले लड़कों को पहले तो मौका नहीं मिलता है, और जब मौका मिलता है तो उनके ऊपर ये दबाव होता है कि आपको पहले ही मैच से इस मौके को भुनाना है, और वो दौर आप याद कीजिए, और उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी कमान संभालते हैं तो भारतीय क्रिकेट में छोटे शहरों से आने वाले लड़कों की एक भीड़ सी लग जाती है। आरपी सिंह हो गए, सुरेश रैना हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, या इसके साथ साथ आप उमेश यादव को देखिए, और सिर्फ अगर आप बल्लेबाजों की ही सूची देखें तो आप देखिए ऋषभ पंत, हालांकि दिल्ली से जरूर खेले लेकिन वो निकल कर आते हैं रुड़की से, और इसके अलावा भी अगर आप क्रिकेटर्स को देखें, चाहे वो केदार जाधव हो, वो भी हालांकि पुणे से आते हैं, लेकिन उस तरह के जो हम कहते हैं कि बेंगलुरु बैटिंग क्लास या मुंबई बैटिंग क्लास या प्रॉपर दिल्ली बैटिंग क्लास या फिर कोलकाता बैटिंग क्लास, वहां से कोई निकलकर बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स नहीं आए इस दौरान। इस दौरान भारत के टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज थे वहां से खिलाड़ी निकल कर आए। तो मोहम्मद कैफ ये साफ तौर पर कहते हैं कि उस वक्त पे जब महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने बात की तो कहीं भी देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा मायूस है या बहुत ज्यादा नाराज है इस तरह की चीज से कि वो अपने पहले ही मैच पे बिना खाता खोले आउट हो चुका है। उसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी की अगली तीन या चार पारियां इसी तरह की रहती हैं, और फिर वो जाकर वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाते हैं, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था उनके करियर का। और इस दौरान जब उनकी बल्लेबाजी आगे बढ़ती है, इस दौरान जब उनका करियर आगे बढ़ता है, तो उसमें मोहम्मद कैफ के करियर को एक डिप मिलता है, वहां से मोहम्मद कैफ का करियर एक ढलान की तरफ बढ़ चलता है, और फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी राइज लगातार करते रहते हैं, लेकिन 2007-08 आते आते मोहम्मद कैफ लगभग उस कगार पर खड़े होते हैं जहां से वो टीम से बाहर होने वाले हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से भांप लिया था, एक खिलाड़ी के तौर पर भी, उन्होंने उनके हेयर स्टाइल्स के बारे में पूछा कि आप लंबे लंबे बाल क्यों रखते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी से हर वो चीज़ पूछी जो कहीं ना कहीं आम इंडियन क्रिकेटर्स नहीं करते थे, जैसे कि लंबे बाल रखना, जैसे कि एक जो लकीर होती है, जो मैंने पहले भी कहा कि इस तरह से मैं नहीं खेलूंगा, मैं इस तरह से कप्तानी नहीं करूंगा, मैं इस तरह से विकेट कीपिंग नहीं करूंगा। उनके आप पूरे करियर को देखें तो बहुत अनऑर्थोडॉक्स रहा है उनका पूरा करियर, लेकिन मोहम्मद कैफ ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट किया है। और फिर जो अहम बात उन्होंने कही वो ये कि कभी भी
धोनी के चेहरे पर उन्हें शिकन नहीं दिखी, चाहे वो शून्य पर आउट हों, चाहे वो शतक लगाकर आए, वो हमेशा बैलेंस रहे, जो कि हालांकि एक ऐसी बात है जिसमें कोई न्यूनेस नहीं है, जिसमें कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मोहम्मद कैफ ने बहुत शुरुआत में उनकी पहली पारी में ही महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल सही पहचान लिया था। जब वो शून्य पर आउट हुए थे, ड्रेसिंग रूम में गए और मोहम्मद कैफ ने उनसे माफ़ी मांगी कि तुम्हारा पहला मैच था, मैंने तुम्हें रनआउट करा दिया और मुझे पता है कि छोटे शहरों से आने वाले लड़कों पर बड़ी पारियां खेलने का पहले ही मैच से कितना दबाव होता है। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि मोहम्मद कैफ बहुत जल्दी ही समझ गए थे। उन्होंने एक भावुक संदेश लिखा है महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर, वो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। और एक जो पूरी कोशिश थी मोहम्मद कैफ की, वो ये बताना थी कि महेंद्र सिंह धोनी को जो भी लोग आलोचक हैं, जो भी उनके खास तौर पर ये कहने वाले कि उन्हें अपने गेम के बारे में नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कब संन्यास ले लेना है और कब नहीं, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश मोहम्मद कैफ ने दिया है। हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। और इसके साथ साथ हमने महेंद्र सिंह धोनी पर कई सारे वीडियोज़ किए हैं, तो आप निश्चित तौर पर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं जाते जाते एक बात और याद आ गई महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद कैफ से जुड़ी। मुझे पाकिस्तान का वो दौरा याद आता है जब मोहम्मद कैफ और राहुल द्राविड़ के बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी हुई थी और हमने 300 प्लस के स्कोर को चेज किया था। लेकिन उस दौरान जो अहम पारी मोहम्मद कैफ ने खेली थी उसके पीछे भी वो एक कारण बताते हैं। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की पारी खेलते हैं वो उन्हें उम्मीद देती थी कि मैं अपनी तरह से क्रिकेट खेलता रहूं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी जो नेचुरल स्टाइल ऑफ बैटिंग होता है उसमें एग्रेशन नहीं होता है, उसमें बड़े बड़े चौके छक्के लगाना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद कैफ को पता था कि नीचे अभी महेंद्र सिंह धोनी का आना बाकी है तो मैं अपने गेम के हिसाब से चीज़ों को खेल सकता हूं और मुझे रन रेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 या 7 के रन रेट से भी रन बनाने होंगे तो भी रन बन जाएंगे क्योंकि नीचे महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए हैं और वो किसी भी आस्किंग रेट को पूरा कर सकते हैं। और देखिए ना, फिर श्रीलंका के खिलाफ जब महेंद्र सिंह धोनी 183 रन बनाते हैं तो सबको ये पता चल जाता है कि अब ये भारतीय टीम वो टीम नहीं रह गई जिसमें सिर्फ टॉप ऑर्डर पे ही वो बल्लेबाज कायम हैं जो बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली का नाम निकल कर आता है। युवराज सिंह उस वक्त पे वो युवराज सिंह नहीं थे जो जब गेंद को उठा दें बल्ले से वो छक्का चला जाए। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का ये राइज, एग्रेशन का राइज, मिडिल ऑर्डर के सबसे बड़े आप कह लीजिए योद्धाओं का राइज, वो एक ही वक्त पे हुआ है। उससे पहले युवराज सिंह भी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बन चुके थे, हालांकि युवराज सिंह बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट थे और उन्होंने जिस तरह से खेलना शुरू किया वो ये बताता था कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन वहीं से महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का राइज भी शुरू होता है। तो ये मोहम्मद कैफ ने दो बड़ी अहम बातें कही थी जो हमने आपके साथ साझा की। और वीडियोज भी देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने किए हैं और वो जरूर आप लोगों को देखने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।